थैंक यू। आप कॉफी पिए, मेरा किचन में अभी काफी काम पेंडिंग है, मैं काम खत्म करके आती हूँ। ठीक है मरियम, मैं हेल्प करा देता हूँ। नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं कर लूंगी। वैसे भी आज और कोई है नहीं हेल्प के लिए, तो थोड़ी सी देर हो जाएगी मुझे। हाँ आप ही ने मुझे बताया था, वो स्टाफ को ऑफ दे रही है, मंथ में एक दफा वो एक दो दिन के लिए उनको ऑफ देती है। तो अच्छी बात है, सुबह ने वो लोग भी अपने घर वालों से मिल लेते हैं। अच्छा सुनो, आई एम रियली ग्रेटफुल कि तुमने खुद को मेरे लिए चेंज करने की कोशिश की। मैं भी कोशिश करूंगा कि खुद को बदल सकूं तुम्हारे लिए। पति सिप्तेन, कभी कभी आप मेरी सोच के बिल्कुल ऑपोजिट बात करते हैं। क्या बदलो? मतलब ये कि जब कभी मुझे ऐसे फील होते ना कि ये बात आपके लिए बहुत बड़ी होगी, तो आप उस पर बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते, और जब कभी मुझे लगता है कि ये बात आपके लिए बहुत मामूली सी होगी, वो एक्चुअली आप बहुत ज़्यादा फील करते हैं। अच्छा तो बस आपको समझने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि दादू हमेशा कहते हैं कि मर्द को समझना बहुत मुश्किल होता है। मुझे समझना कहाँ मुश्किल है, मेरे तो जो दिल में होता है वो जुबान पर होता है। हाँ लेकिन आप अपने फैसले जो है ना वो दिमाग से ज्यादा लेते हैं और दिल से कम। ओके ठीक है, पॉइंट नोटेड। आइंदा से मैं कोशिश करूंगा कि सिर्फ दिल की सुनो। सत्यन एक बात कहूँ? हाँ बोलो। कोई ये नहीं लगता कि कुछ भी हमारे बीच हुआ है वो क्या कहना चाह रही हो? नहीं कुछ नहीं, मैं काम करके आती हूँ। मुझे बताओ तुम्हारे दिल में क्या है? मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि ये भी तो हो सकता है ना कि जो कुछ भी हुआ वो किसी ने। मरियम ऐसे सच जाने बिना हम किसी पर कैसे इल्जाम लगा सकते हैं? इल्जाम नहीं लगा रही सत्यन, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैं बस आपसे शेयर कर रही हूँ जो मैं फील करती हूँ। मुझे समझ में आ गया तुम्हें क्या फील हो रहा है, लेकिन ऐसे अपनी फैमिली पर मैं ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकता। अब ये पिल्स मेडिसिन ये किसने दी, कब, इसकी मैं डेप्थ में नहीं जा सकता। मैंने बहुत सी बातों को इग्नोर किया, तुम भी इग्नोर करो एंड प्लीज मूव ऑन, यही हम दोनों के लिए बेहतर है। चलिए आप अपनी कॉफी खत्म करें और मैं अपना काम करके आती हूँ। ऐसे कैसे, चलो आओ वाइंड अप करते किचन।